और लेकिन हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। आज के जो बर्तन है वो हो गए कुकर के, हो गए स्टेनलेस स्टील के, हो गए, लेकिन हमारी जो संस्कृति थी मिट्टी के बर्तन में जो बनते थे, हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए जो कि यहाँ पे मेंटेन किया गया है। जो संस्कृति को यहाँ ने छोड़ा नहीं है, अपने जड़ पे अभी तक कायम है। गाइस देखिए कितने डिफरेंट टाइप के मिसल्स मिलते हैं। बड़ा मिसल है, मिसल शॉर्ट्स है, दही मिसल्स है, और बड़ा मिसल भाकरी है, इतना उपवास का भी मिसल यहाँ पे मिलता है। इतने डिफरेंट टाइप्स के मिसल है। और देखिए गाइस यहाँ पर मसाला ताक भी अवेलेबल है और पूरे कोविड के पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। और देख सकते हैं कितनी अच्छी टैगलाइन है कि हाँ आपको फूड वेस्ट नहीं करना है। और गाइस इतने डिफरेंट टाइप के साथ वैरायटीज के फूड है कि क्या बताएं। आज हम लोग वो ट्राई करने आए हैं गाइस, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं इसके मेकिंग में और इसका रिव्यू देते हैं। सफाई का काफी ध्यान रखा गया है, ये यार मुझे अच्छी चीज़ लगी। यहाँ पर मास्क वगैरह और हैंड ग्लव्स वगैरह सब है। और यहाँ पे गाइस देख लीजिए, यहाँ पे हमारी मिसल लगभग गर्म हो चुकी है, देख सकते हैं कितना रसेदार है। गाइस देख रहे तरी देख रहे कितनी शानदार है इसकी, और मसाले इतने ज़बरदस्त दिख रहे हैं ना, क्या बताएं गाइस। अभी क्या है अपना, ये पूरी पूरी वैरायटीज के मसाले गए होंगे। हाँ सर, ये इतना तीखा धनिया डाल दिया, दही के साथ भी सर्व किया जाता है गाइस। बर्तन होते हैं उसमें काफ़ी टाइप के अपने को विटामिन मिलते हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जो अपने को नॉर्मल स्टेनलेस में नहीं मिलता है, इसलिए अपनी संस्कृति को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये शेव डाल दिया और ये क्या डाल दिया, मटकी प्याज। प्याज हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, बाकी प्याज प्रेमी हम लोग। जड़जड़ी थे, अगर आपको तीखा लगेगा तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। और का साइज भी काफी अच्छा है, बढ़िया है। तो गाइस अभी मिसल का शॉट्स लेते हैं, पहला मिसल का शॉट्स। ये इसमें इन्होंने डाल के रखा पहले से थोड़ा बहुत प्याज वगैरह, इसमें मैंने तरी डाला है। अब इसमें थोड़ा सा मैं कर डालूँगा, ये मेरा फर्स्ट बाइट होने वाला है। और मुंह में काफ़ी पानी आ रहा है क्योंकि मिसल बाइट्स यहाँ का
मिसल शॉर्ट्स काफ़ी इतना फेमस है यहाँ पे, लोग कहाँ कहाँ से खाने आते हैं क्या बताएं। और जैसा नाम लिया है जड़जड़ित मिसल, मतलब स्पाइसी से फुल, इतना स्पाइसनेस है। जैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, पुनेरी मिसल होता है, गावरन मिसल होता है, नासिक मिसल होता है, वैसे ही ये विदर्भ का मिसल होता है करी, जो एक अलग तरीके का स्पाइस होता है, स्पाइसेस होता है इसमें, और वो अलग तीखापन लेके आता है जो कि इसमें मिल रहा है। काफ़ी स्पाइसी है। एक और इसका शॉट लेते हैं। करी भी काफ़ी अच्छे से बनाया है, काफ़ी गर्मा गर्म है, खाने में मज़ा आ रहा है। इसकी प्राइस है 95 रुपीज़, इसमें आपको 10 पानी पूरी मिल जाएंगे। ये काफ़ी यूनिक है, बता दूँ आपको, ये जनरली कहाँ खाने में मिलता नहीं है। और अपने इसके टोटल 32 ब्रांचेस है गाइस, 32 ब्रांचेस, और मेन ब्रांच इसका कोट नाका में है। हम लोग थाने वाले एरिया में आए हैं, और थाने वाले एरिया में इतना फेमस है, मुझे काफ़ी तीखा लगा, मसाला काफ़ी बेस्ट है गाइस। और गाइस बता दूँ आपको, यहाँ पे जो मसाले हैं, मसाले काफ़ी फेमस है, हर जगह एक ही मसाला इनका चलता है। और गाइस ये जो मिसल शॉर्ट्स है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये पानी पूरी लवर्स के लिए तो सबसे बेस्ट है, जिनको पानी पूरी सबसे ज़्यादा पसंद है। और गाइस ये जो है काफ़ी यूनिक है, पूरे महाराष्ट्र में यूनिक है, ये कहीं नहीं मिलने वाला, जो हम लोग स्पेशली आज यहाँ पे एक्सप्लोर किया है, तो काफ़ी बेस्ट है। और मैं हर एक से रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ विजिट दिस प्लेस फॉर ट्राइंग दिस मिसल शॉर्ट्स एंड दिस बराड़ी मिसल। बराड़ी मिसल बेसिकली कैसा होता है कि यहाँ पे मसाले अलग तरीके के होते हैं, ये नॉर्मल मसाले नहीं होते जो आपको हर कहीं पे मिल जाएंगे, इनकी यही खासियत होती है। तो आप एक बार आएंगे तो आपके जहन में आ जाएगा, आप जो स्मेल आएगा मसाले उसका, स्पाइसेस का, वो अलग आएगा, जिससे आपको एक अलग फीलिंग आएगी। और अभी हम लोग बराड़ी मिसल पे जाते हैं। बराड़ी मिसल बेसिकली जो विदर्भ से होते हैं, विदर्भ ये वहाँ का होता है, अपनी जो जीजा माता होते हैं शिवाजी महाराज की माता जी, जो वहाँ जहाँ से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ का कुछ इसमें टेस्ट लाने का कोशिश किया गया है। और पाव देख लेते हैं गाइस, देखिए पाव कितना स्पॉन्जी है, और देखते हैं ट्राई करते हैं इसको भी। ऑल इन ऑल कॉम्बिनेशन काफ़ी परफेक्ट दिया गया है इसमें, हम लोग को जलेबी भी मिलती है, जो कि गाइस यहाँ पे काफ़ी तीखा है मिसल उस हिसाब से। गाइस पहले नींबू डालते हैं इसमें, मिसल विदाउट नींबू एंड प्याज इज इनकम्प्लीट गाइस। ये तरीका थोड़ा सा अजीब है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। काफ़ी बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तीखापन इसमें भी वही है, आपको अलग से तीखा लगेगा। और हमको एक्स्ट्रा दिया भी गया है, ये भी दिया गया है गाइस, जिसको हमें मिटाना है। काफ़ी जो स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये चीज़ काफ़ी परफेक्ट है, क्योंकि मैं और बैठ लूँगा, स्पून की नीड नहीं है, हाथ से खाना पड़ता है। गाइस इतना इनका जो तरी है काफ़ी, मतलब क्या बताएं इनके तरी के बारे में, अलग तरीके के मसाले हैं जो आपको एक मुंह में तीखापन लाएंगे। गाइस इतना टेस्टी है ना, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है गाइस, बहुत बेस्ट है। तो गाइस रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि ये वाली मिसल भी ट्राई करने लायक है, विदर्भ की है बराड़ी मिसल, और गाइस स्पाइसी है इसमें अलग है ना गाइस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से विजिट करिए प्लेस, एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी बेटर जगह है। एम्बियंस देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ पे लोगों का नेचर इतना शानदार है कि आप एक बार आएंगे भूल जाएंगे यहाँ पे। और गाइस चलिए अभी हम लोग इसको फिनिश करते हैं। सो गाइस फाइनली फिनिश किया, आपको बताना चाहते हैं इतना एक्स्ट्रा पाव लिया हम लोगों ने, उसके बाद एक्स्ट्रा तरी लिया है, कितने बार हमने 3 बार तो तरी ली है, और पाव तो पता नहीं कितने खाए, इतना हमको टेस्ट बिल्कुल लगा कि यार क्या, दिल खुश हो गया। आज का पूरा नाइट एक्सप्लोर हो गया गाइस, और वैभव भाई अच्छा लगा यार मिलके।
उन्होंने भाई ने बनाया, काफ़ी फ्रेश बनाया टेस्ट, और देख सकते हैं मास्क उतार दो हमारे ऑर्डर को देखने को। और ये देखिए एक घंटा है गाइस इधर, अगर आपको पसंद आता है तो सर आपको घंटा बजाना है। मुझे काफ़ी पसंद आया, मैंने 3 बार बजाया गाइस, बहुत फूल लेटे, काफ़ी अच्छा है, और ये का नेचर भी काफ़ी अच्छा है। जाता है गाइस रिक्वेस्टिंग यू ऑल विजिट करिए इस प्लेस को। भैया कुछ हमारे ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? हाँ भाई, दिल से बुरा लगता है भाई आपका सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपका भैया नहीं बोल दिया। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोड एक्सप्लोरिंग के साथ।